नमस्कार किसान साथियों, जान लेते हैं इंदौर मंडी की रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इंदौर मंडी का जो रिपोर्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है और आज का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर दिनांक की बात करें तो 8 अक्टूबर 2021 हो चुका है और 8 अक्टूबर 2021 की आज की ताज़ा अपडेट, ताज़ा रिपोर्ट क्या कह रही है। क्योंकि किसान साथियों अभी तक की जो उठापटक है इंदौर मंडी में वो क्या देखने को मिल रही है और किसान साथियों प्याज में तेजी का रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है या नहीं, तो सारी जानकारी सटीक जानकारी के साथ बताऊंगा। चलिए किसान साथियों वीडियो को करते हैं शुरू और जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट और ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो चलिए किसान मित्रों जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट और ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सही से बताऊंगा, क्योंकि किसान साथियों अगर इससे आज से पहले उठापटक से पहले अगर कल की बात करें तो कल जो आवक थी वो 70,000 के कट्टे की लगभग देखने को मिली थी और रेट की बात करें तो वही 3400-3300 रुपए तक के भाव में जो हाईएस्ट तेजी थी वो देखने को मिली थी। फिर भी किसान साथियों लेवाली में अच्छा खासा जो जोश है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन किसान साथियों अगर आज की बात करें तो आज कल की अपेक्षा और ज़्यादा तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। मतलब आज कुछ ना कुछ जो रिकॉर्ड है वो आपको इंदौर मंडी में टूटता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। तेजी की बात करें तो भयंकर भी तेजी आ सकती है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि जो तेजी के आसार हैं वो भरपूर किसान साथियों दिन पे दिन नज़र आने लगे हैं। अच्छी खासी जो पकड़ है, अच्छी खासी जो तेज़ी है वो दिन पे दिन नज़र आने लगी है। क्योंकि किसान साथियों अगर आज की बात करें तो आज कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो पकड़ है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी इंदौर मंडी में।